कोरिया पर्यावरण की दिशा में एक शानदार पहल करते हुए कोरिया जिले में वन मंडल बैकुंठपुर के केंद्रीय रोपनी आनंदपुर में बरगद और पीपल के 40,000 पौधे तैयार किए गए हैं। वन विभाग द्वारा इन्हें रोपण क्षेत्रों में लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्राप्त होगी। गौरतलब है कि कोरिया जिला हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जहां लगातार हाथियों का विचरण देखा जाता है और गांव के लोगों को जन धन की हानि भी उठानी पड़ती है। इन पौधों के तैयार होने से हाथियों के चारे की भी पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। और बरगद का पौधा उगाया है, पिछले कई वर्षों से डिमांड मांगा जाता था, देहात में भी अपने प्लांटेशनों में भी जो रोपण होता था कि बरगद और पीपल का पौधा आप लोगों ने तैयार कीजिए। इस के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर हम लोगों ने बरगद और पीपल का पौधा उगाया है। कितनी मात्रा में यहाँ पर पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं? अभी सर 40,000 करीब बरगद है और 40,000 पीपल है। का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है सर, एक तो धार्मिक आस्था पे पौधे जो है जुड़े हुए हैं, इसका पूजा पाठ लोग बात करते हैं, इसको ज़्यादातर नुकसान नहीं करते हैं, और जो है इस पौधे को अपना पर्यावरण की दृष्टि से अधिक ऑक्सीजन देता है पौधा। और सर हाथियों का जो आवागमन होता है उसको अपने जो है हाथी इसके पत्ते लोगों को अच्छे तरीके से खाते हैं, बरगद का और पीपल का मुख्य जो है इनका भोजन रहता है।